Hi friends, welcome back to Red's Kitchen. Today I am making hakka noodles with veggies. तो चलो आइए देखते हैं. मैंने noodles boil किए हैं. इसको हम पानी boil में डाल के इसमें थोड़ा सा salt और oil add करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए boil करके उसको strain कर देंगे. उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा सा oil लगा के. तो अब ये हमारे noodles जो हैं boil हो चुके हैं. तो आइए देखते हैं कैसे 2 मिनट में तैयार होते हैं नूडल्स. मैंने यहाँ पे एक पैन लिया, उसमें 2 टीस्पून ऑयल डाला, ऑलिव ऑयल. उसको हाई फ्लेम पे रखेंगे हम. और अब ऑयल गर्म हो चुका है, इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, बिल्कुल भी इसको मीडियम नहीं करना. अब मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक 1 टीस्पून ग्रेटेड किया हुआ. इसको स्टर करेंगे 1 मिनट के लिए. थोड़ा सा ब्राउन होने पे अब मैं डालूंगी इसमें 2 स्लाइस्ड अनियन. और अनियन को भी सौते करेंगे. और अब हम डालेंगे कैरेट. मैंने यहाँ पे 2 कैरेट्स ली हैं. इसको भी हिलाएंगे. अब मैंने यहाँ लिया रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर एंड कैप्सिकम. आपने देखा होगा मैंने सारी वेजेस की शेप सेम ही रखी है. अब इन सब वेजेस को हम सौते करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि क्रंची रहे. तो ये देखिए अब ये थोड़ी सी रोस्ट हो चुकी है. अब हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी. और जब तक ये वेजेस रोस्ट हो रही हैं तब तक हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं, सॉसेस डालते हैं. तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ शेजवान की रेड चिली सॉस 1 टीस्पून एंड ब्लैक सोया सॉस 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस. आप अपने अकॉर्डिंग कम भी ले सकते हैं क्योंकि कई लोग स्पाइसी नहीं पसंद करते. एंड 1 टीस्पून विनेगर और डालेंगे 1 टीस्पून टमाटो केचप. अब डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट एंड 2 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर. और अब हमने ये मसाले सारे डाल दिए हैं. बट ये ध्यान रखना कि नीचे जो वेजेस हैं वो जल ना जाएं. तो फटाफट हमने ये मसाले ऐड करने हैं और सॉसेस ऐड करनी है. और इसको अब अच्छे से हिलाएंगे ताकि नीचे लग ना जाए. तो इसको रोस्ट करेंगे. तो ये देखिए अब ये नीचे से वेजेस जो हैं रोस्ट हो चुकी हैं, क्रिस्पी लग रही हैं. और अब हम इसकी नूडल्स जो हैं उनको भी रोस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए और कंटिन्यूसली हाई फ्लेम पे इसको हिलाते रहेंगे. अब हमने नूडल्स को 2 मिनट के लिए रोस्ट कर दिया है. अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स फॉर गार्निशिंग. और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको बाउल में सर्व करेंगे. अब एंड फाइनली चिली गार्लिक हक्का नूडल विद वेजेस रेडी हो चुकी है. और आपने देखा होगा बहुत ईजी है नूडल्स बनाना. तो आप भी घर पर ट्राई कीजिए. और आपको हमारी ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें शेयर कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग रेड्स किचन. वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.